हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेपेंट ट्यूटोरियल्स। दिस इज आदित्य केशरवानी। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अभी देखो काउंसलिंग का टाइम आने वाला है और बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं आपके, बहुत सारा कुछ है। इवन आपके अभी सेमेस्टर एग्जाम्स भी बाकी होंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। आई नो बहुत टेंशन होगा कि यार क्या करना चाहिए। अभी लोअर IIT या अगर सपोज अगर आपका रैंक नहीं अच्छा है तो कौन सी IIT प्रिफर करनी चाहिए या कौन सी NIT ले लेनी चाहिए। जितनी भी प्रॉब्लम आपके मन में आ रही, कन्फ्यूजन, क्योंकि इस फेज से मैं गुजरा हूँ। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस फेज से गुजरे हैं और जो भी अभी अच्छी जगह पे हैं तो उनका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा क्या है, उन सब को देखते हुए मैं एकदम एग्जैक्ट बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और फिर उसके बाद एक चीज़ डिसाइड करना, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना लेट करोगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, आप बहुत सोचते रहोगे। तो देखो आज हम बात करेंगे NITs वर्सेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। सबसे पहली बात देखो NITs में, कौन से NIT की बात कर रहा हूँ आपको ये भी बताता हूँ। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैं बात करूँगा NIT त्रिची की, फिर उसके बाद बात करूँगा NIT राउरकेला, देन NIT सूरतकल, NIT वारंगल, ऑल्सो VNIT नागपुर कह सकते हैं VNIT। और ठीक है, अभी इतने की बात करते हैं। और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं DU कंसीडर कर रहा हूँ, BHU कंसीडर कर रहा हूँ, HCU कंसीडर कर रहा हूँ, साथ ही साथ JNU कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा ये टॉपिक है NIT वर्सेस, तो बेसिकली अभी मैं इन NIT और इस ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट में ये अभी चल रहा होगा कि अभी मान लो सपोज NIT में अगर आपकी अभी रैंक नहीं अच्छी है तो आपको NITs ही मिलेंगी, IITs तो नहीं मिल रही। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ये सब अगर NITs मिलने का चांसेस हैं और अभी ये सब पेपर DU BHU HCU बाकी है तो क्या करना चाहिए, किसकी तरफ जाना जाना चाहिए। एक बहुत ही फैक्ट की बात बता रहा हूँ, मैं NIT राउरकेला में हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड DU में भी हैं, BHU में भी हैं। इवन आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे DU में दो तीन फ्रेंड्स मेरे इंटरव्यू अपना जो है वहाँ पे, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, वहाँ क्या चीज़ें होती है, वहाँ के सीट्स, वहाँ क्या कैसा है इन्वायरमेंट है। ठीक है, अब BHU में जो मेरा फ्रेंड है आयुष, आप जानते हो, उसने तो आपको बहुत सारे डिटेल्स बता दी उसका एक्सपीरियंस और कैसा अंदर का माहौल है। HCU में भी मेरे फ्रेंड है, JNU में, तो हर जगह से मैं इन्फॉर्मेशन ले के आपके लिए बहुत टाइम दे रहा हूँ अभी तो, क्योंकि ठीक है अभी मैं आप मतलब मेरा ये सीन है कि आपको मुझे बेस्ट प्रोवाइड कराना है ताकि आपको क्लियर रहे, आपका थॉट जो हो वो क्लियर रहे कि मुझे आप इधर फोकस रहना है। तो अब बात करते हैं कि हमें कौन सा चूज करना चाहिए। अब देखो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ये बात ये है कि यहाँ पे देखो जो NITs है यहाँ पे क्या होता है कि NITs में मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जो कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन है अब्रॉड से वो बहुत ही अच्छा नहीं है। क्या है, कोलैबोरेशन जो है अब्रॉड से वो बहुत ही अच्छा नहीं है। मतलब कि अगर देखो अब दो बातें हैं यहाँ पे, अगर आपको देखो प्लेसमेंट चाहिए, एक प्लेसमेंट की बात होगी और एक PhD, दोनों की तरफ से मैं बात कर रहा हूं। PhD मतलब रिसर्च ओरिएंटेड है, दो टॉपिक से रिलेटेड है, इन दोनों में से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आप प्लेसमेंट की तरफ जाना चाहते हो या तो PhD की तरफ जाना चाहते हो। अब किधर है आपका मन, रिसर्च ओरिएंटेड है कि आप सोच रहे हो कि मुझे प्लेसमेंट ले लेनी चाहिए, हमें कहीं जॉब कर लेनी चाहिए। प्लेसमेंट के लिए देखो आपको मैं सिंपल बात बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेगी। अगर आपको कोडिंग आती है, सपोज अगर आपको कोडिंग आती है तो यहाँ पे भी NITs में जो कंपनीज आती हैं, वैसे आती हैं। अब मैं NIT राउरकेला का मैं सब पता कर लिया, NIT राउरकेला के एक वीडियो मैं सेपरेट बना रहा हूँ कि उसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है, कितने का सिलेक्शन होता है, प्रोसीजर क्या होता है, उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा विद प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। बट अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो मुझे बहुत मैनेज करना पड़ रहा है, तो थोड़ी दिक्कत है, उसका मैं देख लूंगा अभी। देखो जनरली प्लेसमेंट की बात करूंगा अगर, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही का हो सकता है। अगर आप क्या है, अगर आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग के लिए आप बहुत सारी और कंपनीज हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, देन आपके पास चांसेस हैं। लेकिन जनरली साइंस के स्टूडेंट को कोडिंग जनरली नहीं आती, बहुत कम स्टूडेंट है जिनको आती है। अब PhD रिसर्च, PhD की बात करूं, अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड तरफ से सोच रहे हो तो रिसर्च ओरिएंटेड तरफ से मैं आपको बताता हूं, यहां पे टोटली डिपेंड करता है। सपोज अगर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है,
तुम आप सबको पता है यार, चाहे जो हो, कि अब्रॉड से जो रिसर्च है वो बहुत ही अच्छा है। मैं इंडिया को ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया किसी से कम है, बट जो फैक्ट है आई थिंक आपको भी पता है, ठीक है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे प्रोफेसर हैं, मैं जिनके साथ रहता हूँ, तो सबको पता है कि यार, और हमारा भी यार, मैं पर्सनली, मुझे भी अगर कभी चांस मिले कि मैं PhD करना हो, मुझे अब्रॉड से और इंडिया से चांस मिले, तो मैं अब्रॉड को प्रेफर करूंगा, क्योंकि है वहाँ का रिसर्च ओरिएंटेशन वहाँ का बहुत ज़्यादा, एक्सपेरिमेंट्स वहाँ के, इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो अगर PhD आपको बाहर से करनी, तो उसके लिए क्या है कि भाई NIDs में क्या है कि कोलेबरेशन अब्रॉड से नहीं होता है। ये जो NIDs है, देखो कोलेबरेशन डायरेक्टली नहीं होता है, क्या मतलब डायरेक्टली नहीं होता, बट एक तरीके से आप ये कह सकते हो, सपोज जो आपके प्रोफेसर हैं, मैं अपना NIT के, NIT राउरकेला की बात कर बताता हूँ आपको, कि NIT राउरकेला में मेरे एक प्रोफेसर हैं ऑर्गेनिक के, है ना। तो उनका क्या सीन है कि अभी वो कई, मतलब कि आपको मैं बताऊँ तो वो ताइवान से, जापान से, इवन USA से कई सारे उनके पास, उनने PhD की है, पोस्ट डॉक्टोरेट दो तीन उनके पास पोस्ट डॉक्टोरेट की डिग्री है। तो उनका जो कनेक्शन है, जो उनका कोलेबरेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बात करता हूँ NIT राउरकेला में मेरे एक फ्रेंड है, तो उसको क्या मिला था वहाँ ने, उन्हीं सर के थ्रू आपको क्या मिला था कि उसको 3 महीने की इंटर्नशिप मिली थी फॉरेन में करने की, और वहाँ पे आपको जब प्रोफेसर के थ्रू आप जाओगे तो वहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। अभी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किधर जाना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो, प्लेसमेंट की तरफ कि PhD की तरफ। अगर PhD की तरफ जाना है तो उसके लिए आपको सिंपल है कि आपको नेट और गेट क्वालिफाई करना मस्ट है। नेट गेट के बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर आप PhD पे जाना चाहते हो तो नेट गेट क्वालिफाई करना। अब नेट गेट की तैयारी कहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी, NITs में अच्छी होंगी कि इधर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में? तो एक फैक्ट की बात बता रहा हूँ, नेट गेट की तैयारी जो होती है अगर आपको अच्छे से करनी, पूरा मन लगा के, यहाँ पे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए उसके लिए आपका, तो उसके लिए फिर आप प्रेफर करोगे DU, BHU, HCU, JNU। मैं JNU की क्या ही बात करूँ, अगर मैं सच बता रहा हूँ, बस JNU में क्या दिक्कत है कि यहाँ पे टोटल 25 सीट्स होती हैं, जिसके जिसमें और 12 सीट्स रिजर्व होती हैं उन्हीं के लिए, उन्हीं के स्टूडेंट्स के लिए, और मान लो जनरली 13 सीट जनरल के लिए रिजर्व, जनरल के लिए होती है, उसमें से भी एक दो क्या होती है स्पोर्ट्स कोटा वगैरह लग जाता, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है सीट्स बहुत कम है, लगभग 10 से 11 सीट होती है JNU में। लेकिन मैं अगर JNU की बात करता हूँ, इवन मैं अगर DU है JNU में, अगर किसी को डाउट होगा ना, तो मैं 100% कहूंगा आप JNU जाओ। JNU का जो रिसर्च है ना, कि बेसिकली केमिस्ट्री से अगर रिलेटेड मैं बात करूं, तो लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे कि वहां का रिसर्च बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा। इवन उनका कोलेबरेशन भी है फॉरेन के कई कॉलेजेस से, तो वहां आपको प्रिफर करना तो वो बहुत अच्छा है, बट ये होता है कि सीट कम होती है। DU, BHU, HCU खराब नहीं है, बट अगर किसी को डाउट है कि यार JNU ज्यादा अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तो JNU यस बहुत अच्छा है। तो देखो, अगर आपको PhD करनी है तो नेट गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप फिर आपको ये चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्कुल मेरा ये कहना नहीं है कि NITs खराब हैं, NIT से आप नेट गेट नहीं निकाल सकते, NIT से भी निकलते हैं। मेरे सीनियर जो है, इस बार उनका ऑल इंडिया रैंक 7 आया है, JRF क्वालिफाइड है, तो वो आप पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से पढ़ लो। क्योंकि होता क्या है कि हम जब NITs का कैंपस होते हैं, जो NITs की लाइफ होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। जब हम वहां पे देखो, बहुत ही फैक्ट की बात बता रहा हूँ, DU, BHU, HCU और JNU में आपको NITs जैसी लाइफ नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पे आपको बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, यहाँ पे आपको बहुत कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते। तो कुछ लोग होते हैं, क्योंकि देखो 2 साल का MSc का कोर्स होता है, तो हम जब नए जगह जाते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो हम उस एनवायरमेंट को समझने में इतना टाइम लगा देते हैं कि हम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पाते। तो NITs में क्या है कि आपको यहाँ एनवायरमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड होता है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर हम ना पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा आपको इतना अच्छा एनवायरमेंट, इन द सेंस आप समझ रहे हो, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह यहाँ पे आपको मिलेंगे, बट यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आपको ये बात है, अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है, फिर उसके बाद चलो ठीक है कि यार देखा जाएगा क्या है क्या नहीं, तो उसके लिए आप NITs जाओ। वाकई में NITs की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। आप आओगे एक बार ना, मैं राउरकेला में हूँ, जब मैं आया था तो मुझे भी बहुत लगा था यार यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे साथ ग्रेजुएशन कॉलेज में तो ऐसा कोई सीन नहीं था। तो ये बातें हैं। अब अगर देखो नेट गेट है तो आपको इधर प्रेफर करना चाहिए। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी क्या है कि आपको अगर आप NITs की तरफ जाती, ये NITs में
और इधर डीयू बीएचयू एचसीयू से भी प्लेसमेंट है। इवन मैं एचसीयू की क्या ही बात करूं, एचसीयू में भी बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है। एचसीयू का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है एचसीयू का, है ना। तो उसका आप देख लो, एचसीयू भी बहुत ही अच्छा है। और इन सब के एग्जाम में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको ये देखना है, फोकस करना है कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से कितना आता है, ये आप देख लो। और उसके बाद आपको यहाँ पे 100% नहीं लाना होता है। आप सपोज अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 100 को 90 नहीं करने, आपको आपको सिर्फ 50 से 60 करने हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट करने हैं, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 100 में से 90 नहीं लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो देखो, एनआईटीज का क्या रहेगा कि एनआईटीज का यहाँ पे आपको टैग मिल जाएगा। तो टैग मिलने की वजह से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में, यहाँ तो आपका प्लेसमेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और जो यहाँ की सैलरी होगी, यहाँ की जो आपका सैलरी होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, टैग है, एनआईटी आईटी का इंडिया में है, टैग की तो वैल्यू है, आईआईटी एनआईटी की टैग की वैल्यू है। फिर अगर बात करता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट से, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर जाना है तो क्या यहाँ पे आपको इन सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से मिलता है। तो एचसीयू की पर्सनली बात करूँ तो एचसीयू में भी क्या है, प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है, क्योंकि उधर साइड है, एचसीयू में प्लेसमेंट हो जाता है। सपोज उधर क्या है, इंडस्ट्रियल कंपनीज जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो सब बहुत आती है, तो उधर से आपका उस साइड भी प्लेसमेंट हो जाता है। इधर एनआईटीज में बेसिकली क्या है कि इतनी आपको प्लेसमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये सब आती है। वो मैं डिटेल अभी नेक्स्ट वीडियो जो मैं आईटी राउरकेला का बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा क्या कौन कौन सी कंपनी आती। तो अभी ओवरऑल हमारा रिजल्ट ये निकल रहा है। एक और बात है कि जो अगर यहाँ के प्रोफेसर की बात करता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि डीयू के कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो टॉप 2% साइंटिस्ट में आते हैं। क्या? टॉप 2% साइंटिस्ट में आते हैं, तो उनका प्रोफेसर बहुत ही अच्छा। अब देखो, एक बात मैंने आपको बता दी है कि दोनों का जो एनआईटीज है उनका कोई अच्छा कोलोबरेशन नहीं है अब्रॉड से। डीयू बीएचयू अच्छी हुई, जेएनयू, जेएनयू की अगर नहीं बात करो, इन तीनों की बात करो, तो इनका भी कोलोबरेशन डायरेक्टली नहीं है कि आपको अगर आपने यहाँ से एमएससी की डायरेक्टली आपको अब्रॉड भेज दिया जाएगा, कोलेबरेशन है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं, बट ओवरऑल एक चीज डिपेंड करेगी, आपके प्रोफेसर का कनेक्शन, आपके प्रोफेसर कहाँ से किए हैं। तो आपको अब ये डिसाइड करना है, आपको भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। आपको मैंने ये बता दिया अगर आपका प्लेस किस तरीके का सीन है, अगर इस तरफ जाना है कि प्लेसमेंट जाना है, प्लेसमेंट में भी इधर भी है, तो अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। एक और बात है कि अगर आपको और ज़्यादा एकदम समझना है एग्जैक्ट चीज़ें कहाँ हैं, तो अभी आप क्या करो कि आप इंडिविजुअल साइट्स पे जाओ, आपको वहाँ पे प्रोफेसर्स के बैकग्राउंड मिल जाते हैं, जो भी कितने कई। देखो एक और बात है कि हर जगह आपको अच्छे सारे प्रोफेसर अच्छे नहीं मिलेंगे, 3-4 प्रोफेसर आपको मतलब अच्छे इन द सेंस जो सही ज़्यादा मतलब उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होंगे, बाकी बहुत सारे और भी प्रोफेसर। तो अभी आप एक काम करो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट लग रहा है कि यार अब नहीं समझ में आ रहा, अभी भी डाउट है, तो उसके बाद एक और आप ये काम कर सकते हो कि अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड में जाना है, अब्रॉड जाना है, या कहीं अच्छी जगह से पीएचडी करनी, तो अभी आप क्या करो कि डीयू बीएचयू एचसीयू जेएनयू के प्रोफेसर की लिस्ट निकाल लो, उनका बैकग्राउंड देखो कि वो कैसे हैं, उसके बाद एनआईटीज का देख लो, एनआईटीज की साइट्स में आपको मिल जाएगा, है ना, मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं, तो वहां से देख लो। अब ये डिसाइड करो कि कौन से एनआईटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर का बैकग्राउंड किधर ज्यादा अच्छा है, उनका बैकग्राउंड भी मैटर करेगा, क्योंकि डायरेक्टली कोलेबोरेशन नहीं है, तो लेकिन प्रोफेसर का रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोफेसर के साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप जरूर करना, जब आप एमएससी में एडमिशन ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पे चूक जाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। इतने में अगर आपको नहीं क्लियर होगा, तब आप जाना प्रोफेसर की लिस्ट निकालना और उनका कनेक्शन देखना कि वो कहाँ से पीएचडी की है और उन कहाँ कहाँ से उनका पोस्ट डॉक्टरेट है, उनका रिसर्च थोड़ा देख लेना कि उस किस फील्ड में, आपको किस फील्ड में जाना है। सपोज आपको ऑर्गेनिक में जाना है, ऑर्गेनिक में सपोज आपको एनआईटी के प्रोफेसर, आपका एनआईटी के कोई प्रोफेसर है जो ऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छा 2-3 डॉक्टरेट पीएचडी किए हैं, तो अगर फिर आप एनआईटी चूज करो, नहीं तो वैसे इतना सफिशिएंट है आपको चूज करने के लिए, प्रोबेबली अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी काउंसलिंग टाइम चल रहा है, इसलिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके ये सब चीजें आपको बताता हूँ।
तो प्रोबेबली थोड़ा सा मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को रिस्पेक्ट करें और मुझे सपोर्ट करते रहें, ताकि कुछ ये भी होता है आजकल, ठीक है, लास्ट टाइम कुछ मैं कुछ दिन पहले एक वो हो गया था कि यार मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल पे इधर उधर बोल रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, बट ठीक है अभी मुझे फोकस रहना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी क्या है कि मैं देखा, मतलब यूट्यूब पे भी अपने देखा कि मुझे जो लोग देखते हैं वो ऐसे 60% ऐसे लोग हैं जो मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं किए, तो मैं उनसे ये भी कहूंगा यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपका क्या ही जा रहा है, मतलब मेरे को कुछ मिल नहीं जाएगा, बट एक होता है ना अच्छा पॉजिटिविटी आती है कि यार मेरे चैनल पे इतने लोग हैं मेरे से जुड़े, तो अच्छा लगता है। तो मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका कुछ नहीं जा रहा, बस एक सब्सक्राइब बटन ही तो आपको क्लिक करना है। और जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन है एनआईटी राउरकेला का पूरा प्लेसमेंट और कैंपस एकेडमिक सब वो मैं बता दूंगा, उसके लिए थोड़ा सा आप मेरे को टाइम दो, बाकी यार अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।